गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ये दोनों बच्चा पार्टी को हम लोग जा रहे हैं छोड़ने। इन लोगों की क्राफ्ट क्लास मैंने स्टार्ट की है, तो बस वहीं चल रहे हैं। तो चलो चलते हैं और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो बॉटल फेंकेगी तो वो भी तो उसका भी तो पानी जाएगा। डांडिया खेल लो इस बॉटल से। जा रही, बाय एंजल। इसका रोज का हो गया है, गुस्सा होके जा रही है। एंजल, बहुत दिन से तुमने वो वाला डायलॉग नहीं बोला, भैया से पानी जो मांगती थी। नहीं। बोल दो। और ये है गर्मा गर्म मूंग दाल की पकौड़ी, और ये है प्याज की कचौड़ी, प्याज की, और ये कुल्हड़ वाली चाय। और हम लोगों ने लिया यहाँ सामने से NCZCC के पास ही है ये शॉप। यहाँ की ना ये मूंग दाल वाली पकौड़ी बहुत टेस्टी होती है। सो अभी मैं आ गई हूँ घर, और अभी मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने देसी घी गरम किया, उसमें डालूंगी थोड़ा सा लहसुन, राई जीरा, और जैसे ही राई जीरा अच्छे से क्रैकर हो जाएगा इसमें दो रेड चिली डाल दूंगी साबुत। इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और बस इसको भी हल्का सा भूनेंगे, फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये बारीक कटे हुए एक टमाटर। और टमाटर ऐड करने के बाद फिर मैं इसको फटाफट पका लूंगी, मतलब जब तक हमारा टमाटर नहीं गल जाएगा तब तक पकाना है। और मुझे ना मतलब ऐसे दाल में प्याज नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं कभी भी नहीं ऐड करती हूँ। और ये टमाटर हमारा गल गया है, तो इसको डाल देती हूँ दाल में और एक अच्छा सा मिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसको मैं ढक के रख दूँगी। एंड दूसरी साइड मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो आलू और बीन्स की मैंने सब्जी बनाई है, तो दाल के साथ तो ड्राई सब्जी ही जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अभी मेरी सब्जी भी लगभग हो गई है, बस इसको अच्छे से भूनना है 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि ड्राई सब्जी तभी खाने में मज़ा आती है जब वो अच्छे से भुन गई हो। तो सब्जी हो गई है रेडी, और मैं चलती हूँ बच्चों को लेने, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये वाला एंजल ने किया है और फर्स्ट टाइम किया है, तो उस हिसाब से काफी अच्छा है। और ये है अंश का, अंश का भी अच्छा लग रहा है। तो दोनों ने जो है समर वेकेशन का यूज करना स्टार्ट कर दिया है, और अभी दोनों दूध पी लें और फिर चलेंगे हम लोग संगीत समिति और बास्केटबॉल। अंश 3 दिनों से बास्केटबॉल नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके ना पैर में चोट लगी हुई थी। 2 दिन, अच्छा संडे था, ठीक है 2 दिन नहीं गया। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ समिति से, और दोनों बच्चों को मैं लेकर आ गई हूँ। एंड अब हम लोग होने जा रहे हैं रेडी, क्योंकि आज जाना है एनिवर्सरी पार्टी में। तो आंटी और अंकल की एनिवर्सरी है, तो घर के पास ही है, वहीं पे जाना है। तो बस 7:30 का टाइमिंग है, तो फटाफट हो जाते हैं रेडी। और अभी 7 बज चुके हैं, तो फटाफट रेडी होती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ सीधा आपको वहीं पर। Yeah.
सारे मजे तो बच्चों के हैं और सिर्फ मिर्ची है, बाकी सब खाली। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा डिनर लग चुका है तो हम सब मिलके अपने डिनर को करते हैं एंजॉय। और आज की पार्टी में भी आई बहुत सारी मज़ा। तो मज़े आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। एंड हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको ना सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।